देव मंदिर के सिंह द्वार से कुछ दूर हटकर वह छोटी सी दुकान थी। सुपारी के घने कुंज के नीचे एक मैले कपड़े के टुकड़े पर सूखी हुई धार में 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 हरे नारियल और 6 अंडे थे। मंदिर से दर्शन करके लौटते हुए भक्त लोग दोनों पट्टी में सजी हुई हरी भरी दुकानों को देखकर उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। अर्धनग्न वृद्धा दुकान वाली भी किसी को अपनी वस्तु लेने के लिए नहीं बुलाती थी। वह चुपचाप अपने केलों और पपीतों को देख लेती। मध्याह्न बीत चला, उसकी कोई वस्तु न बिकी। मुंह की ही नहीं, उसके शरीर पर की भी झुर्रियां रूखी होकर ऐठी जा रही थी। मूल्य देकर दाल भात की हांडिया लिए लोग चले जा रहे थे। मंदिर में भगवान के विश्राम का समय हो गया था। उन हांडियों को देखकर उसकी भूखी आंखों में लालच की चमक बढ़ी, किंतु पैसे कहाँ थे? आज तीसरा दिन था उसे 2-1 केले खाकर बिताते हुए। उसने एक बार भूख से भगवान की भेंट कराकर क्षण भर के लिए विश्राम पाया, किंतु भूख की वह पतली लहर अभी दबाने पर पूरी तरह समर्थ न हो सकी थी कि राधे आकर उसे गुरेड़ने लगा। उसने भरपेट ताड़ी पी ली थी, आंखें लाल, मुंह से बात करने में झाग निकल रहा था। हाथ नचाकर वो कहने लगा, सब लोग जाकर खा पी कर सो रहे हैं, तू यहाँ बैठी हुई देवता का दर्शन कर रही है? अच्छा, तो आज भी कुछ खाने को नहीं? बेटा, एक पैसे का भी नहीं बिका, क्या करूं? अरे, तो भी तू कितनी ताड़ी पी आया है। वह सामने तेरे ठाकुर दिखाई पड़ रहे हैं, तू भी पीकर देखना। उस समय सिंह द्वार के सामने की विस्तृत भूमि निर्जन हो रही थी। केवल जलती हुई धूप उस पर किलोल कर रही थी। बाजार बंद था। राधे ने देखा 2-4 कौवे कांव कांव करते हुए सामने नारियल कुंज की हरियाली में घुस रहे थे। उसे अपना ताड़ी खाना स्मरण हो आया। उसने अंडों को बटोर लिया। बुढ़िया हाँ हाँ करती ही रह गई। वो चला गया। दुकानवाली ने अंगूठे से दोनों आंखों का कीचड़ साफ किया और फिर मिट्टी के पात्र से जल लेकर मुंह धोया। बहुत सोच विचार करके अधिक उतरा हुआ एक केला उसने छीलकर अपनी अंजलि में रखकर उसे मंदिर की ओर नैवेद्य लगाने के लिए बढ़ाकर आंख बंद कर ली। भगवान ने उस अछूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं कौन जाने, किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझकर ही ग्रहण किया। अपनी दुकान झोली में समेटे हुए जिस कुंज में कौवे घुसे थे उसी में वह आ घुसी। पुआल से छाई हुई टट्टरों की झोपड़ी में विश्राम लिया। उसके स्थावर संपत्ति में वही नारियल का कुंज, 4 पेड़ पपीते और छोटी सी पोखरी के किनारे पर के कुछ केले के वृक्ष थे। उसकी पोखरी में एक छोटा सा झुंड बत्तखों का भी था जो अंडे देकर बुढ़िया की आय में वृद्धि करता। राधे अत्यंत मध्यप था। उसकी स्त्री ने उसे बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। बुढ़िया को भगवान का भरोसा था, उसी देव मंदिर के भगवान का जिसमें वह कभी जाने नहीं पाई थी। अभी वह विश्राम की झपकी ही लेती थी कि महंत जी के जमादार कुंज ने कड़े स्वर में पुकारा, राधे, अरे रधवा, बोलता क्यों नहीं? अरे, बुढ़िया ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या है महाराज? सुना है कल तेरा लड़का कुछ अछूतों के साथ मंदिर में घुसकर दर्शन करने जाएगा? नहीं नहीं, कौन कहता है महाराज, वो शराबी, भला मंदिर में उसे कब से भक्ति हुई है? नहीं, मैं तुझे कहे देता हूँ, अपनी खोपड़ी संभाल कर रखने के लिए उसे समझा देना, नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा हो जाएगी। राधे ने पीछे से आते हुए क्रूर स्वर में कहा, जाऊंगा, तब तेरे बाप के भगवान हैं, तू होता कौन है रे? अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है? अरे तू जाएगा मंदिर में, भगवान का कोप कैसे रोकेगा रे? बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी। कुंज बिहारी जमादार ने राधे की लाठी देखते ही ढीली बोल दी। उसने कहा, जाना राधे, कल देखा जाएगा। जमादार धीरे धीरे खिसकने लगा। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चों लोगों को चर्बी चढ़ गई है। दर्शन नहीं रहे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है, राधे गुर्राने लगा। कुंज तो चला गया। बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिनके बल पर मंदिर में जाने का साहस करता है? ना बेटा,
यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है? तूने भात बनाया है आज? नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले, चावल है नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी झूठन भी तुझे दी? मैं क्यों लेती? उन्होंने दी भी नहीं। तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग ना जाएं? जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। ना बेटा, किसी ने तुझे बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। वहां जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। हम लोग तो जाएंगे। ना, ऐसा कभी ना होगा। होगा, फिर होगा। जाता हूं ताड़ी खाने, वहीं पर सबकी राय से कल क्या होगा ये देखना है। राधे ऐंठता हुआ चला गया। बुढ़िया एकटक मंदिर की ओर विचारने लगी, भगवान क्या होने वाला है। दूसरे दिन मंदिर के द्वार पर भारी जमघट था। आस्तिक भक्तों का झुंड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। उधर सैकड़ों अछूतों के साथ राधे मंदिर में प्रवेश करने के लिए तत्पर था। लट चले, सिर फूटे, राधे आगे बढ़ ही रहा था। कुंज बिहारी ने बगल से घूमकर राधे के सिर पर करारी चोट दी। वह लहू से लथपथ वहीं लौटने लगा। प्रवेशार्थी भागे, उनका सरदार गिर गया था। पुलिस भी पहुंच गई थी। राधे के अंतरंग मित्र गिनती में 10-12 थे, वे ही रह गए। क्षण भर के लिए वहां शिथिलता छा गई थी। सहसा बुढ़िया भीड़ चीर कर वहां पहुंच गई। उसने राधे को रक्त में सना हुआ देखा। उसकी आंखें लहू से भर गई। वो बोली, राधे की लोथ मंदिर में जाएगी। वह अपने निर्बल हाथों से राधे को उठाने लगी। उसके साथी भी बढ़े। मंदिर का दल भी हुंकार करने लगा, किंतु बुढ़िया की आंखों के सामने ठहरने का किसी को साहस न रहा। वह आगे बढ़ी, पर सिंह द्वार की दहलीज पर सहसा रुक गई। उसकी आंखों की पुतली में जो मूर्ति भंजक छाया चित्र था, वहीं गलकर बहने लगा। राधे का शव दहलीज के समीप रख दिया गया। बुढ़िया ने दहलीज पर सिर झुकाया, पर वह सिर उठा न सकी। मंदिर में घुसने वाले अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ी हुई थी।